अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं आजाद चाय वाला। आप गलती से किसी कुकिंग शो पे नहीं आ गए। आई एम एक्चुअली गोइंग टू टीच यू, मैं आपको दिखाऊंगा कि यार क्रेप्स किस तरह बनाते हैं। क्रेप्स समझ लो कि फ्रेंच पराठा हो गया या फ्रेंच पैनकेक हो गया, अगर आपको पता है पैनकेक क्या होता है। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज इट्स ए न्यू वे ऑफ मेकिंग मनी। नए मॉल्स आ रहे हैं, सिनेमाज आ रहे हैं, सुपर मार्केट्स आ रहे हैं, रेहड़ियां हमारी अक्सर अजलों से चल रही हैं, पर दोज रेहड़ियां हैव बीन समोसा पकौड़ा टिक्की कबाब वगैरह, ठीक है, टिक्की या बर्गर। और अब जो नया जमाना आ रहा है, दे वांट टू ईट फ्रेंच फ्राइज, उन्होंने शवरमे खाने हैं, एंड वन ऑफ द थिंग्स दे वांट टू ईट स्वीट में उन्होंने जो खाना है इज क्रेप्स। बड़ी आसान सी रेसिपी है, बहुत ज्यादा मार्जिन है इसमें, यानी आप 200-300 का आराम से बेच सकते हो। अगर आप कैफे चलाते हो तो इट्स जबरदस्त आइडिया। हम कहाँ पे थे यार, नेदरलैंड्स में थे। नेदरलैंड्स की एक मजे की बात है यार, वहाँ के पूरे के पूरा रेस्टोरेंट ना 2-3 डिशेज सिर्फ बेचता है। जैसे हमारी कह लो यार राजमा चावल की होती है या बिरयानी की होती है इस तरह से, वो ना वहाँ पे उन्होंने कैफेज बनाई हुई, सिर्फ वो मशरूबात हॉट यानी चाय कॉफी देते हैं और साथ उसके क्रेप्स देते हैं 3-4-5-10 किस्म के। सो मैं आपको बेसिक एक रेसिपी दिखाने वाला हूँ। ये जो मटका बोल जो भी है था सामने ढूंगा पड़ा हुआ है, इसमें कप्स की मेजरमेंट एक होती है यार कुकिंग में, वो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। एक कप पानी, एक कप दूध, एक चम्मच छोटी जो होती है नमक की, ये दो अंडे फेंके हुए हैं, फेंटे हुए हैं, राइट, ये अंदर गए। मैं साथ साथ बिजनेस का भी बताते जाता हूँ, राइट, सो रिवाइंड कर लेना, ये स्क्रीन पे मैं शायद लिखूंगा। और ये दो कप मैदा, आटा नहीं मैदा, ठीक है, यहाँ पे बाहर सब लोग मैदा इस्तेमाल करते हैं। और यार तेल, आप इसमें बटर भी डाल सकते हो पिघला के, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, तो दो बड़ी चमचे इसमें मैं तेल डालने वाला हूं। मैदा जो है ना आप इसमें फेंको, आराम आराम से रिलीज करते जाओ एंड मिक्स करते जाओ। जो एक चीज नहीं खासी है, देखिए यार, लॉट ऑफ जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना वो भूखे नहीं मरते, दे हैव उनमें एक चीज होती है, दे नो हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स, यानी कचरा नहीं खाएंगे, दे नो हाउ टू कुक, ठीक है। हर पीछे कोई बारबेक्यू कर देता है, कोई खास बिरयानी बना देता है, व्हाटएवर, हर बंदे की खासियत है। एंड आई थिंक एज एवरी अदर एंटरप्रेन्योर मैं भी ये जो है ना थोड़ा शौक रखता हूँ कुकिंग का, बट एनीवे छोड़िए उसको। बिजनेस के लिहाज से ये स्वीट भी होते हैं और सेवरी भी होते हैं, सेवरी यानी नमकीन भी कह सकते हो। नमकीन मैंने कहाँ पे खाए थे यार, मुझे नहीं पता था नमकीन होते हैं, सच्ची बताऊँ, फिलिपीन में। हम हलाल फूड ढूंढ रहे थे नाश्ते के लिए, दिन के लिए वगैरह, एंड वी केम अक्रॉस बेकरी थी वहाँ पे, उसका नाम था फ्रेंच कनेक्शन, तो वो ना सिर्फ ये बनाया करती थी। मैं अभी डाल के ना फास्ट फूड ऑर्डर करते हैं अगले स्टेज का। अच्छा एक चीज क्या कहनी थी मैंने, कि मशीन के साथ हो सकता है, लेकिन मैं बाई हैंड इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे काम जो है ना धोना पड़े। एंड मैं छोटा सा बैच बना रहा हूँ बिकॉज आपको दिखा रहा हूँ कि यार ये चीज बनती किस तरह, ठीक है। पतला होना चाहिए यानी, बट इतना पतला भी नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया इसको आप बढ़ा लो यार। अगर आप दो कप, हर एक कप जहाँ पे आप मैदा डालते हो वहां पे आप आधा कप पानी, आधा कप दूध और एक अंडा डाल दो, इसका बैटर होना चाहिए, ठीक है। अब अगला, अच्छा इसको बनाने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए, इस किस्म का टेंथा, बट इससे लंबे भी लंबे भी मिल जाते हैं लोहे के, आप सीन है, मगर वो मिल जाता आपको जबरदस्त। मैं तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, नॉट रियली कमर्शियल, तो कर नहीं रहा, सो मैंने वो लिया नहीं है, ठीक है। ये डंडी सी आपको बहुत 100, ये डंडी के बगैर बिना आप क्रेप्स नहीं बना सकते, ठीक है। ये उसको हमवा रखने के लिए होती है, ये आप देख सकते हो करीब से, एक बड़ी डंडी है, एक छोटी डंडी, और इसमें ना ये डली हुई है। यहाँ पे ये तकरीबन 100 रुपए की मिलती है। मैंने, मेरा एक पूल का क्यू होता है ना जो स्नूकर बंदा खेलता है, वो टूट गया था, मैंने उसको काट के इस तरह चीज बना दी, वो जबरदस्त बनी थी। एंड तवा, तवा आम तवा रोटी वाला नहीं है, ये बिल्कुल हमवार है, एब्सोल्युटली हमवार है। ये मैंने कहाँ से लिया था, एक मेरे पास मशीन थी तव, यानी ओवन किस्म का चीज थी, वो टूट गई, मैंने उससे ना ये कील वगैरह निकाल के ये रख लिया, बिकॉज यू कैन मेक रियली रियली नाइस क्रेप्स ऑन दिस, ठीक है। सो मैं गैस के ऊपर रख रहा हूँ, आपको बिजली वाले भी मिलते हैं, और बाजार अगर आप कमर्शियल जाओगे तो आपको अच्छे हासिल लेनी पड़ेंगी, प्रॉपर हॉट प्लेट्स लेनी पड़ेंगी, ठीक है, आगे चलते हैं। ओके जी बंदो, ये मैंने रख दिया है तवा इसके ऊपर, ये आप देख सकते हो गर्म है, मैंने गैस बिल्कुल कम की हुई है, जीरो पे की हुई है, जीरो नहीं यार, जो सबसे छोटी वाली होती है। ये बटर की चाकी है, इसको खोल रहा हूँ, बटर यहाँ पे अब जरूरी होता है, बटर लिया फौरन ऐसे कर दिया, ये बहुत ज़्यादा हो गया, इसका कोई तरीका निकालना पड़ेगा टू एक्चुअली रिड्यूस दिस, ठीक है। ये एक लिया आपने, इसको क्या पौवा कहेंगे, यहाँ पे दरमियान में फेंक दी,
ठीक है, ये वो डंडी थी जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि बहुत ज़रूरी है। पहला जो है ना हमेशा ठीक नहीं निकलता क्योंकि तवा ऐसा है, बट और मैं इतने बड़े बड़े नहीं बना रहा, छोटे छोटे बना रहा हूँ। ये देखो इसका तरीका, ये डंडी पानी में मैं भिगो रहा हूँ यहाँ पे ताकि जल्दी साफ हो जाए। जो गैस है जैसे ही आपने डाल दिया आप इसको मीडियम पे लगा दो, क्योंकि आप कमर्शियल हो, आपको जल्दी जल्दी से बनाने पड़ेंगे, जल्दी जल्दी से निकालने पड़ेंगे। ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे, आप दो दो तीन तीन प्लेटें लगा सकते हो, यानी एक इसको मैं प्लेट कह रहा हूँ, तवे को मैं कह रहा हूँ प्लेट, आप दो दो तीन तीन तवे लगा सकते हो। ये दो मिनट में बआसानी बन जाती है, दो चार और सेकंड देते हैं जब इससे बुलबुलियाँ शुरू हो जाएंगी, यानी आप खुद यार शोकियाँ भी खा सकते हो, ट्रीट योरसेल्फ, बट वो बात की बात है। इसके नीचे डाला, उलट दिया, ठीक है। मैं छोटे छोटे बना रहा हूँ क्योंकि मेरा तवा छोटा है। उमूमन जो कमर्शियल होते हैं ना वो समझ लो एक तवे जितने होते हैं, इसमें आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, और शायद मैंने तेल ज़्यादा डाल दिया, बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। तो और एक चम्मच कर देना, इट्स फाइन। अच्छा, इसकी कॉस्ट यार क्या होगी? अंडा कितने का यार कमर्शियली मिलता है? होलसेल में लोगे 8-10 रुपये का आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट फार्मर से ले लोगे तो बुरे में अच्छे हालात में 6-7 का भी मिल जाएगा, और बुरे में 12 का मिल जाएगा, यानी सर्दियों में जब पीक पे सीजन होता है। मैदा कितना यार लगता है? कुछ नहीं। और यार ये जो मैंने पूरा पोर्शन बनाया इसमें 7-8-10 बआसानी साइज के बन जाते हैं, बड़े वाले यानी 6-7-8 बनते होंगे, मेरे जो 10 बन जाते हैं ये छोटे छोटे साइज के। कोल्ड कर दिया, थैंक यू, ऑलमोस्ट तैयार है, मैं प्लेट निकालू। बंदे इसके साथ यार चॉकलेट सिरप डालते हैं इस पे, नटेला, मेजॉरिटी जो लोग डालते हैं नटेला तो लाजमी इसमें चढ़ती है, ठीक है। नटेला वो जो चॉकलेट स्प्रेड है उसकी बात कर रहा हूँ, जितना भी टाइम है, ठीक है। मिनट मैंने अंदाजा नहीं किया, आई डिडंट एक्चुअली मैंने वो टाइम नहीं रखा, आप देख सकते हो तैयार हो गया, ठीक है। ओके बंदो, प्लेट पे रखती है। इसको सर्व करने का क्या तरीका है? केला ले लो, ठीक, केले के ना, केला इज अ पॉपुलर थिंग, स्ट्रॉबेरीज डालते हैं लोग, आम डालते हैं आम के सीजन में, पीच को क्या कहते हैं, जो भी है पीच, चाइनीज फ्रूट, जो भी आपने डाला इसके ऊपर फ्रूट डाल दो। हमारे यहाँ नटेला तो नहीं है, लेकिन ये भी चॉकलेट स्प्रेड है एक किस्म की। अब क्योंकि साया पा रहा है इस साइड पे, इट्स यार हमारे यहाँ पे ना हेल्थी हेल्थी बड़ा चक्कर चल रहा है। सो दिस इज कोको, यार खोपे और नारियल का वो, ठीक है, इसमें इतनी नहीं लगा रहा, पर वो जो है ना थोड़ी ज़्यादा लगाते हैं। पीनट बटर आप डाल सकते हो, ये वो वाला जो स्मूथ होता है बिल्कुल ना, बिल्कुल यानी क्रीम जैसा होता है, और ये वाला जो पथरी यानी क्रंची होता है। बट हज़ार किस्म की यार रेसिपीज आप ऑनलाइन ढूंढ लो, आपको बस इस बिजनेस में पढ़ना है। जिस तरह रेडियां ना, आप 2-3-4 रेडियां लगा दो, इसकी पोटेंशियल क्या है? अगर फर्स्ट करो आप 150 का ले रहे हो, लगा रहे हो, और घंटे में हर 10 मिनट के बाद एक गाहक आपका फंसता तो नहीं है, आ जाता कहते हैं, और आप दिन में फर्ज करो 12 घंटे खुले रहते हो, सो 12 घंटे टाइम 6, आई डोंट नो क्या बनती है गिनती, 72-73 बनती होगी, एंड 72 बनती है टाइम्स 150, तकरीबन 10,500 रुपए बनते हैं। 10,500 अगर आपकी टेकिंग हो रही है हर रोज, तो महीने के बाद 3 लाख कुछ बनते हैं। बआसानी से आप किराया भी दे सकोगे, तनख्वाह भी दे सकोगे, और बड़ी आराम से एक लाख 1.5 लाख जो है ना अपने लिए बचा सकोगे। अब इसको क्या करते हैं, ऐसे रोल कर दिया, हम तो नाश्ते के लिए इसी तरह करते हैं क्योंकि ये गीला है ना, थोड़ा गीला सा लग रहा है। आप क्या चीज़ कर सकते हो, आप इसको तवे पे फेंक सकते हो एक और बार सील करने के लिए, क्योंकि गीला लग रहा है, गीला नहीं है, सिर्फ बाप इसकी जो है ना उसकी वजह से ये गीला लगता है। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने तवे पे रखा है जस्ट टू गेट इट अ बिट मोर क्रिस्पी, और अब सूखा नहीं है, गॉन क्वाइट क्रिस्पी। अच्छा, अगर आपको स्पॉट अच्छा मिल जाता है ना, अगर आप इसको लगा देते हो कहाँ पे किसी सिनेमा में, यार गारंटी यू 20-30 घंटे के बेचोगे, 20-30 घंटे को बेचोगे, और जब एक बंदा लेगा ना वो दूसरा भी उसके, यानी अकेला कोई नहीं खाएगा, हमेशा दो दो बंदे खाएंगे। बिस्मिल्लाह, अमेजिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, खुद बनाया इसलिए कह रहा हूँ, नहीं वाकई में है ये, ठीक है। इसमें थोड़ी सी चीनी भरूर सकते हैं, वो चीनी नहीं जो यार हम लोग अमूमन हमारे पास पथरीली होती है, कैस्टर शुगर, यानी आपको ब्लेंडर से गुजारनी पड़ेगी ताकि वो बिल्कुल पाउडरी हो जाए, बिल्कुल जैसा टैल्कम पाउडर होता है वो, ऊपर भरूर है हमारे पास, है भी यहाँ पे मिल गई है, ये कैस्टर शुगर है, बिल्कुल पाउडर जैसा होता है, जैसे चर्स नहीं होती यार, किस्सा दिखाऊं आपको, ये देख लो, ठीक है। इतनी पत्ती की शक्कर होनी चाहिए, या कोको पाउडर यार जिसको चॉकलेट बोलते हैं, चॉकलेट का पाउडर, इसको खोला, इसको भी थोड़ा ऐसे भरूर देते हैं ऊपर, इट जस्ट लुक्स नाइस यार प्लेट के ऊपर ना। ओ यार लाइट बहुत ज्यादा है, मैंने
क्योंकि मेरे स्टूडियो में नहीं है इसलिए किचन में बना रहा हूँ। बट ट्रस्ट मी, मान लो चीज़ बड़ी जबरदस्त लगती है, ठीक है। तो अगर आप यार 20-30 बेच रहे हो घंटे के, यू टॉकिंग अबाउट 10-12 लाख रुपीज महीने का जो आपका होगा। आप सिनेमे वाले को 2-3 लाख रुपए भी अगर देते हो किराया छोटे से स्टॉल के लिए, यार इसके लिए यू प्रॉब्ली नीड 1 मीटर बाय 2 मीटर, ठीक है, टाइट सा छोटा सा स्टॉल रखो, 2-2, 3-3 लगा लो, जहां पे भी आपको जगह मिलती है बनाते जाओ, एंड हैव अ मैसिव एम्पायर जहां पे आप क्रेप्स बेचते हो, ठीक है। साथ चाय की एक छोटी सी मशीन लगा सकते हो, चाय का छोटा सा सिलसिला लगा सकते हो, पानी बेच सकते हो, देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और वहां पे ऑलवेज कीप इट स्वीट, और प्लेटो में नहीं आप सर्व करते, आप इसको यानी ब्राउन कागज नहीं होता, ब्राउन लफाफा, उस किस्म का नुमा का किसी यार अपनी निकालो, अच्छी सी कोई पैकेजिंग उसमें डाल दो, लोग खाते जाएंगे। जब इसमें ज्यादा आप चॉकलेट वगैरह डाल देते हो तो फिर आप कांटा के साथ दे दो, साथ वो छुरी भी दे दो प्लास्टिक वाली, जाते मंदो। आई होप यू लाइक द आइडिया। समोसे पकौड़ों से इसमें ज्यादा मार्जिन है, और समोसे पकौड़ों को भी नजरअंदाज मत करो, इफ यू डू इट प्रॉपरली मॉल के अंदर। लेकिन उसमें क्या मसला है, धुआं बहुत ज्यादा होता है, तेल की बदबू होती है, यू हैव अ लॉट ऑफ तेल आपका जल रहा है, एंड आपको शायद उसकी वजह से आपको इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि इट विल बी अ फुल फ्लेज किचन। ये ऐसी चीज है, आपको उतनी आपको आपका इंस्ट्रक्शन फैन नहीं चाहिए, छोटा सा पंखा काम कर जाएगा, और जो बाप वगैरह उठेगी भी वो पानी होगा, तेल नहीं होगा, एंड द स्मेल विल बी रियली रियली नाइस, ठीक है। तो ये वो चीज है जो आप मॉल के अंदर लेके जा सकते हो, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी विद इट, ठीक है जी। मैं हूं आजाद चावल, आई होप कि आप और कुछ नहीं यार खुद बना के खाओ, यू रियली रियली एंजॉय योरसेल्फ। अच्छा, इसमें वो जो होते हैं नमकीन वो कैसे होते हैं, जो मैंने खाए थे फिलिपीन में वो कैसा था कि ये बड़ा सा बनाते हैं, दरमियान में एक अंडा तला हुआ रखते थे, ऊपर उसके टमाटर होते थे काटे हुए, वो जो चेरी टमाटर थे, फिर उसके ऊपर उन्होंने चीज डाल के उसको बंद करके आधा बंद कर दिया, चौरस बंद कर दिया, और फिर तवे के ऊपर रखते थे फॉर अ फ्यू सेकंड्स, ताकि जो चीज है वो यानी पिघल जाए, मेल्ट हो जाए। ओके जी, मिलने यार, मैं हूं चाय वाला, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, डू टेल मी यार कमेंट्स में बताना वीडियो ये अच्छा लगा बिजनेस प्लान के नहीं, तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम। बंदो, मैंने कैमरा इसलिए ऑन किया है बिकॉज आई एक्चुअली फॉरगॉट टू टेल यू समथिंग, मैं ये बाकी मैदा सीरीज को मुझे ये जो मिक्सचर है उसको इस्तेमाल करना है, मैं चंद शायद बच्चों के लिए बना दूंगा, एंड मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ बिना बटर डाले, आई एम जस्ट टेस्टिंग कि क्या होता है, क्योंकि हमें बटर डालना पड़ता है, सो जस्ट ट्राई टू सी कि बटर के बगैर क्या होता है, जो हमने तेल बीच में डाला हुआ ये बटर जो हम वैसे बीच में डाल देंगे उसका क्या बनेगा, उसका क्या असर होगा, बुलबुलियां फुलबुलियां ऐसी, उसको छोड़िए। वीडियो ऑन इसलिए फिर किया है क्योंकि आई फॉरगॉट टू मेंशन के यार इसका स्टार्टअप कॉस्ट क्या है, तवा सिलेंडर गैस का, ये तैथा किस्म का लोहे का, जो लोहे का ले लो ठीक रहेगा, इसकी खासियत यह है कि जितना चौड़ा हो उतना पतला भी हो ताकि नीचे डाल के आप उसको उल्टा कर सको यार, इस तरह मैंने आपको दिखाया था। सो अच्छा, आई थिंक बटर लाजमी डालना पड़ेगा बिकॉज चिपक रहा है, इट्स एक्चुअली चिपकिंग, बिल्कुल वो नहीं है आसानी से जिस तरह पहले था, एंड वो रंग भी नहीं है, रंगत भी नहीं है, आई डोंट नो यार, मे बी 10,000 मैक्सिमम 5,000 10,000 इंग्रीडियंट्स, 2-4, 1-2 दर्जन केले ले लो, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज ले लो, जो भी उस टाइम फ्रूट चल रहा है वो ले लो, एंड फिर रेड़ी का और रेड़ का खर्चा, फिर आपको जो पगड़ी देनी है उस मॉल में या उस जगह पे स्टॉल वगैरह का, सो नथिंग, बेसिकली नथिंग, 40-50 हज़ार भी आपके नहीं लगेंगे, ठीक है। तो अरे रिटर्न आपने मैंने आपको दिखा दिया यार, अगर बुरी जगह पे भी होंगे ना आप, 150 भी आप चार्ज कर रहे हो, 200-300 नहीं आप चार्ज कर रहे, तो फिर भी यार यू मेक अ लैक रुपीज आराम से। और अगर आप मुलाजम रख देते हैं, यू कैन एक्चुअली पुट इट इन 2-3 डिफरेंट प्लेसेस, अच्छा सा यूनिफॉर्म, अच्छी सी वो क्या कहते हैं वाइट हैट लगा दो, मुलाजमों का भी ख्याल रखो, उनको अच्छी सी वेज दे दो, ब्रेक्स दे दो, तो इंशाल्लाह बरकत पड़ती है, व्हेन यू लुक आफ्टर योर स्टाफ, ठीक है। बस ये कहना था, इसकी स्टार्टअप कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि आई डोंट मैं दाखिल नहीं हो सकता, कॉस्ट टू मच टू गेट इन। पगड़ी का है वो आई डोंट नो, वो हर जगह पे अपनी अपनी होती है, कोशिश करिए ऐसी जगह पे चले जाइए जहाँ पे ना हो, बट दैट्स इट, वीडियो फिर से एंड करते हैं, मैं चाय वाला, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बंदो, कल रात को मैंने बैटर बनाया था जो आपको दिखाया था, काफ़ी बच चुका था, सो ऑब्वियसली मुझे इस्तेमाल तो करना था, एंड मैंने सोचा यार आपको दिखा दूँ सेवरी वाला कैसा लगता है, दिस इज़ अ सेवरी वाला, ठीक है। नीचे से भी आप देख सकते हो, आई डोंट नो, ब्राउन है, ऊपर से भी, इसमें है क्या यार, बेस इज, इसको खोलते हैं, इसमें राइट अंडा है नीचे तला हुआ, ठीक है, ये
तला हुआ अंडा है, इसको अगर मारेंगे ऐसे तो बीच में से पील निकल आएगी, ठीक है। फिर इसके ऊपर टमाटर और चीज़, चीज़ टमाटर और फिर चीज़ एंड दैट, और बीच में यार पेपर को क्या बोलते हैं यार, चोपी पेपर, नमक बसार, नमक बसार, बसार नहीं, बसार डिफरेंट है, पर ये लो यार बनाओ, मेक दिस, कैफे चलाओ ताकि लोग दुनिया आपके पास नाश्ता करने के लिए आए। इसके साथ एक कप का चाय दो, चाय का कप दो, सॉरी यस, चाय का कप दो एंड मुझे मारो नी इंशाल्लाह, ठीक है। मिलियनेयर बनने का नंबर वन तरीका, मज़े का तरीका, वो तो मीठे वाले थे, और ये सेवरी है, सेवरी क्या होता है, नमकीन, एक मीठा नमकीन, ये नमकीन है, ठीक है। एंड नाश्ते की चीज़ खोलो एंड ऑब्वियसली पीपल विल, रेडी भी लगा दो तो फिर भी यार लोग आएंगे यार सुबह नाश्ता लेने के लिए, अजीब नई चीज़ है। और एक और चीज़ यार, सऊदी में मैंने खाया था, मिस्री लोग बेच रहे थे, पराठा था जिसके अंदर उन्होंने चीज़ें डाली हुई थी, वो भी चौरस किस्म का था। तजर्बे करता रहा करो ताकि यू हैव समथिंग यूनिक बेचने के लिए, ठीक है। यूनिक चीज़ हमेशा ज़्यादा पैसे कमा के देती है। मैं हूँ चाय वाला फॉर द लास्ट टाइम, अस्सलाम।